हेलो एवरीवन, दिस इज अभय खेड़िया एंड वेलकम टू अन अकेडमी डेली लाइफ। एंड टुडे वी हैव द लास्ट सेशन फॉर द स्टेट ऑफ मैटर, जहां पे हम अपना एनसीईआरटी डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिस्ट्री एनसीईआरटी कंप्लीट बेसिस में। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी ने बहुत ही ज़्यादा आसान है यार, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगर आपको बेटा बस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन लगाने भी आती ना, तो आप एनसीईआरटी बहुत आराम से कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करूँ कि आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए और भी कहीं से मॉड्यूल्स या मैनुअल्स या क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, बिकॉज एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज ऑब्वियस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज अभय खेड़िया, आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड टिल नाउ आई हैव 4+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स ऑफ जेई एंड नीट। नाउ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड CBSE। ध्यान रखिएगा, अपन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे, कि जिससे उन्हें उन कॉन्सेप्ट को जब अप्लाई करेंगे ना, तो बहुत ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। इनफैक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते से हमारे मन में डाउट नहीं रहेगा। सो अपने कोर्स में हम इस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हों। ठीक है, ये मैं दावा लेता हूँ बेटा, अगर आप हर एक चीज़ को बहुत ध्यान देंगे, नोट्स बनाएंगे, आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट केमिस्ट्री आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। केमिस्ट्री आपकी रैंक अच्छी दे सकता है आपको, अगर आपने अपनी केमिस्ट्री को बस थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ाई किया। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मुलेज बिजी हैं, एप्लीकेशन बिजी है, बट चीज़ें थोड़ा, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है बस, दैट इज़ द ओनली इशू। इट मीन्स आपको बस रेगुलर बेसिस में पढ़ाई करनी है। इतना भी अपन अगर करते हैं, रेगुलर बेसिस में अपडेटेड हैं, रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, बैकलॉग्स क्लियर कर रहे हैं, आप अपनी केमिस्ट्री को बहुत अच्छी कर सकते हैं और उसको स्कोरिंग भी बना सकते हैं। यस, यू कैन मेक इट स्कोरिंग। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। एंड जिन बच्चों ने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, बेटा फटाफट ले लो, बिकॉज ले लो। सर क्यों ले लें सर, भाई अन अकेडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म में वी आर ऑल्सो हैविंग अ रेगुलर क्लासेस। वहाँ पे हमारे कोर्सेज चलते हैं पूरे प्लान्ड मैनर पे, पूरा कंप्लीट टॉपिक कवर अप करते हैं अपन, सब कुछ कवर अप करते हैं। सो वी हैव अ प्लस क्लास, प्लस सेशन, जहाँ पे हम पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे मैं आपके डाउट्स को भी एंटरटेन कर पाऊँगा, आपके कंसर्न्स को भी एंटरटेन कर पाऊँगा समहाउ, तब जाके आप बोलोगे सर मेरा चैप्टर कंप्लीट है। आप मुझसे पढ़ के जाते हो यूट्यूब में, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट आता है। जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, फिर चीज़ों को अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं, खुद के लेवल में खुद सोचना स्टार्ट करते हैं, तब डाउट्स क्रिएट होते हैं, नए नए डाउट्स मन में डाउट्स आते हैं। उन डाउट्स को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर बेटा ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि चैप्टर मेरे को आता है। और अगर आपको क्लियर करना है, तो यू हैव टू कम टू मी अन अकेडमी क्लास, आना पड़ेगा यार, आना पड़ेगा, तभी तो आप पूरा चैप्टर पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करोगे। वहाँ मिलो, इंटरेक्ट करो, डाउट्स पूछो, तभी आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अन अकेडमी प्लस, जहाँ पे अभी इनफैक्ट आपको बता दूँ मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग, और राइट नाउ आई एम द मिडिल ऑफ समथिंग ऑफ हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, हाइब्रिडेशन निकालना सिखा दूँ। अब मैं इस चैप्टर के बहुत एक कोर पार्ट की तरफ पहुँचने वाला हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर आपको चीज़ों को टाइमली कंप्लीट करना है, तो फटाफट ज्वाइन करो, फटाफट ज्वाइन करो, वेस्ट मत करो टाइम, लेट मत करो। ठीक है सर, ज्वाइन कैसे करें मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, बट बता दूं, अगर आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे, अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं फॉर कंसल्टिंग बोथ 11th एंड 12th, अगर आप इकट्ठा अभी प्लान ले लोगे, तो आपको कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी। दो रीज़न, एक तो कॉस्ट प्राइसेस कभी भी बढ़ सकती हैं आपकी, प्लस आपको पर मंथ कॉस्ट, आप जब बल्क मिलोगे ऑब्वियस आपको प्राइसेस कम पड़ती, वही है। अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन एक बार मिलोगे, तो आपको कम प्राइसेस पड़ेंगी, एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 22,500। ध्यान रखना, ये जो प्राइस है ये डिस्काउंटेड प्राइस है। ये प्राइस आपको तब पड़ेगी जब आप एक कोड यूज़ करेंगे, दैट इज AKCLIFE। यस, दिस इज अ कोड यू हैव टू अप्लाई टू गेट द इंस्टेंट 10% डिस्काउंट फ्रॉम अन अकेडमी। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए अन अकेडमी से, तब इस कोड को लगाओ, एनुअल के डेट डिस्काउंट ऑन योर एनी सब्सक्रिप्शन। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट दैट विल कॉस्ट अराउंड 13,500। ठीक है, अब ये सोचो बेटा, अगर आप दो दो बार लोगे, तो आपको कॉस्ट कितनी ज़्यादा होगी, 27,000 पड़ेगी। आप एक बार में 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आपको 22,500 पड़ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है। सो प्राइसेस में फर्क पड़ेगा अगर आप बल्क में लोगे तो। ठीक है, चलिए। सो मैं आज उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, मेरे को पता चलेगा। आप जब भी कोड लगाएंगे, मेरे को पता लग जाएगा भाई इन बच्चों ने आज कोड लगा के यूज़ लिया, सर आपके बच्चों ने आज बात सुनी आपकी। ठीक है, सो मीट मी ऑन अन अकेडमी प्लस, और आप हमारा एक चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द कम्युनिकेशंस,
कि हम जो भी नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, अभी कोई वीडियोस लिंक कर रहे हैं, तो वीडियोस के लिंक्स आपको शेयर हो जाएंगे। एक तरह से आपको पूरा पूरा लिंक आपके सामने रहेगा, तो आपको बहुत ईजी रहेगा सर्च करना, काम करना, पढ़ाई करना, रिवाइज करना। तो आप टेलीग्राम पे इस चैनल को जो ही ज्वाइन कर लें, दैट इज़ livedaily.me/chat। इस चैनल को आप फटाफट ज्वाइन कर लें, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत सुनते हैं, और यूट्यूब के बच्चे खासकर काफ़ी सिंसियर बच्चे आ रहे हैं, तो प्लीज़ इन सभी चैनल्स को, सभी बातों को आप ध्यान रखें, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशंस, एंड टुडे वी आर गोइंग डिस्कस एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। सो मान के चलता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएगी, एंड थोड़ा सा पेस लेके चलेंगे क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारे, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, वॉट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेकामीटर क्यूब, डीएम इज डेकामीटर क्यूब, ऑफ एयर एट 1 bar टू 200 डेकामीटर क्यूब। आपको कंडीशन पढ़ो बेटा अच्छे से, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे लैंग्वेज समझ आएगा क्या, कि आपका वॉल्यूम इनिशियली कितना है सर, 500 डेकामीटर क्यूब। आपका प्रेशर कितना उस समय एयर का, दैट इज P1 इक्वल्स टू 1 bar। आपसे पूछ रहा है कितना प्रेशर लगेगा, दैट इज P2। आपसे फाइनल प्रेशर कितना लगेगा, P2, सो दैट आपका वॉल्यूम कितना हो जाए, V2 कितना हो जाए आपका, 200 डेकामीटर क्यूब। ध्यान रखिए कुछ मेंशन नहीं किया, इनफैक्ट मेंशन किया है कि टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, और ये कॉन्स्टेंट है। ये लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाता है, कुछ हद तक आप लैंग्वेज को पढ़ोगे तो इंटरप्रेटेशन में आ जाएगा कि आपका टेम्परेचर प्रोसेस में क्या आपका कांस्टेंट है। यार आप देखोगे यार, तो सर ये इसमें बस आपका प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन पूछ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल्स तो हमेशा कांस्टेंट है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, बॉयल्स लॉ। चलो मैं बॉयल्स लॉ भूल गया, मैं बॉयल्स लॉ लेट से भूल गया कि बॉयल्स लॉ किस पे प्रेशर वॉल्यूम पे क्या रिलेशन था, मैं भूल गया। बट मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इस पूरे प्रोसेस में बेटा आप देखोगे सब प्रोसेस में मोल्स तो कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, देयरफॉर पीवी इक्वल्स टू क्या है आपका, कांस्टेंट। इट मींस पूरे प्रोसेस में आपका P1, P और V का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। तो आपकी इक्वेशन क्या लगेगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी देयरफॉर P1V1 इक्वल्स टू P2V2। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि इनकेस आप गलती से बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन भूल गए कि प्रेशर वॉल्यूम पे क्या रिलेशन है सिर्फ, तो आप इसको अपने आइडियल गैस इक्वेशन से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बस फटाफट सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे आपको यूनिट्स का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सर जब प्रेशर हमेशा ATM में लूंगा, बार में लूंगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज अल्टीमेटली आप जिस भी टर्म से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब आप आइडियल गैस इक्वेशन में चीज़ों को रखोगे, तब आपको इंश्योर करना है कि आपको सभी यूनिट्स बहुत प्रॉपर डालनी है। कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको फोकस करके बताऊंगा, ठीक है? सो P1 इज 1 bar, V1 इज 500, P2 इज पूछा आपसे, वॉल्यूम इज 200। देखो P2 कितना आ गया आपका, इट इज 5/2 bar, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, बहुत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 bar। एक वेसल है जिसका वॉल्यूम दिया आपको 120 ml, जिसपे कुछ अमाउंट ऑफ गैस है, नहीं पता कितनी। टेम्परेचर ऑफ गैस इज 35 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1.2 bar। चलिए, द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml एट 35 डिग्री सेल्सियस, वॉट वुड बी इट्स प्रेशर। देखो बहुत सिंपल सवाल, अपन इसको फोटो बना के पढ़ते हैं। एक वेसल है, अल्टीमेटली थोड़ा इमेजिनेशन में ईजी रहता है। एक वेसल है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है, दैट इज V1 लिख रहा हूँ उसको, इट इज 120 ml। इसमें कोई गैस थी, उस गैस का आपका प्रेशर दिया आपको P1 दिया, दैट इज 1.2 bar, और गैस का टेम्परेचर दिया आपको T1 दिया है 35 डिग्री सेल्सियस। आपने गैस को किसी और कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, ये बोल रहा है। जिस कंटेनर का वॉल्यूम था, कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो गया आपका, V = V2 कितना आ गया, 180 ml, और उस कंटेनर का भी टेम्परेचर कितना है आपका, 35 डिग्री सेल्सियस। आपसे फाइनली गैस का, यहाँ पे जो गैस को यहाँ ट्रांसफर करने का जो प्रेशर है, P2 पूछ रहा है। सर सेम सवाल है, एकदम सेम क्वेश्चन है। पूरे प्रोसेस में गैस के मोल्स चेंज नहीं हो रहे, तो आप क्या बोलोगे सर, अगर मैं बॉयल्स लॉ देखूंगा तो बोलूंगा सर टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, देखो P1 = P2V2। लेट्स से हम भूल गए अगेन बॉयल्स लॉ इक्वेशन, तो मेरे को सर PV = NRT तो पता है। पूरे प्रोसेस में सब मोल्स चेंज नहीं हो रहे, गैस के मोल्स पूरे एज इट इज ट्रांसफर हो गए, आर चेंज नहीं हुआ,
टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट 35 था, यहाँ भी 35 है, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है। इट मीन्स पूरे प्रोसेस के लिए पीवी इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है। बस इक्वेशन लगा दो यार, इक्वेशन लगा दो। इक्वेशन क्या बोलोगे सर, फर्स्ट प्रेशर कितना है 1.2 बार, वॉल्यूम कितना है 120 ml, P2 कितना है पूछा नहीं, पूछा हमसे वॉल्यूम कितना है आपका 180 ml, देयरफॉर P2 यहां से सॉल्व करके आ जाएगा आपका, इट इज 1.2 इंटू 120 अपॉन 180। यूनिट्स ध्यान रखें बार में ही आएगा, बिकॉज हमने यूनिट को वहाँ पे बार पे रखा था, तो यहाँ भी यूनिट में जो आंसर आएगा आपका बार में ही आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस है, कैंसिलेशन है, वो आप खुद कर लोगे यार, मेन तो हम कॉन्सेप्ट की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर है, बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा, मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करके टेंशन नहीं ले रहा हूँ। तो लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। यूजिंग द इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, शो दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू गैस प्रेशर पी। हमने एक्सप्रेशन निकाला हुआ है क्लास में, इनफैक्ट मैंने आपको बोला भी आपको याद रखना है, डेंसिटी के टर्म्स में आइडियल गैस इक्वेशन मैंने आपको बोली है, याद रखना है। चलो मैं फिर भी क्वेश्चन आया है तो एक बार इसको अपन ड्राइव कर लेते हैं एक बार। इनफैक्ट सभी बच्चों को याद होगा पीएम इक्वल्स टू डीआरटी, पी इंटू मोलर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। लेट्स सी इसको अपन ड्राइव कर लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन बोल दिया है। सो पीवी इक्वल्स टू क्या है आपके पास, एन आर इंटू टी। आपको डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी पता है आपको मास बाय वॉल्यूम होता है, इट इज मास ऑफ द गैस एंड दिस इज वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं आपको मास और वॉल्यूम लाना है, तो मोल्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया मास के टर्म्स में। सो पीवी इक्वल्स टू आ गया मास अपॉन मोलर मास, कैपिटल मीन्स मोलर मास, इंटू आर इंटू टी। नो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मैंने वॉल्यूम टर्म को राइट हैंड साइड ले गया और मोलर मास को लेफ्ट हैंड साइड लिया है। सो पी इंटू मोलर मास इक्वल्स टू एम बाय वी इंटू आर इंटू टी। ये पूरा का पूरा टर्म आपके लिए क्या है, डेंसिटी है। देयरफॉर आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, पी एम इक्वल्स टू डी आर टी, देयरफॉर डेंसिटी कितनी आ गई आपकी, पी एम बाय आर टी। तो ये जो प्रूफ चाह रहा था कि आ गया प्रूफ, ये जो डेंसिटी ऑफ गैस है, दिस इंप्लाइज डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सबको क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता है यार। तो लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, इनफैक्ट चलिए। एट 0 degree centigrade द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन ऑक्साइड ऑफ ए गैस एट 2 bar इज सेम एज दैट ऑफ द डाई नाइट्रोजन एट 5 bar, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड। क्वेश्चन को बस लैंग्वेज को थोड़ा एक सिंपल टर्म्स में लिखोगे तो आपको क्वेश्चन तुरंत क्लिक कर जाएगा। लैंग्वेज है, लैंग्वेज को एक मैथमेटिकल टर्म्स मिलाओ, एक्सप्रेशन मिलाओ, क्वेश्चन सॉल्व होना लग जाएगा आपका, ठीक है। सो लेट्स, मैं इसको एक पिक्चर के फॉर्म लिख रहा हूँ। एक गैस है जो कोई मेटल का ऑक्साइड है, कोई भी गैस है, लेट्स इसको गैस लिख ले रहा हूँ, जहाँ गैस का प्रेशर कितना है अपने पास, लेट्स 2 bar है, ठीक है। टेम्परेचर इसका दिया है 0 degree Celsius, मैंने लिख रहा हूँ 273 Kelvin। इस गैसिटी का जो डेंसिटी है, लेट्स d1, दिस d1 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ n2, n2 का डेंसिटी, जिसका प्रेशर कितना है आपको n2 का, इट इज 5 bar, और ऑब्वियस है टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, तो टेम्परेचर इज सेम, दोनों का टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। और इसकी जो डेंसिटी d2 है, वो आपको क्वेश्चन में अगर d1 d2 है, तो देयरफॉर उसने दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 इक्वल्स टू d2, ये आपको करना है। और d1 इक्वल्स टू d2 करना है, और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इस गैस का मोलर मास निकालना है। इसका मोलर मास तो आपको पता ही क्वेश्चन में, बस सब्स्टिट्यूट करो बेटा फटाफट। डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है सर, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पीएम बाय आरटी, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो मैंने अगर दोनों गैस के लिए लिखूंगा तो इट इज P1 m1 बाय आरटी इक्वल्स टू P2 m2 बाय आरटी, ये लिखूंगा। आरटी कैंसिल हो गया, आरटी कैंसिल हो गया, मैं अपने आप को हाइड कर लूं, आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। सो गैस वन का जो प्रेशर है, जिसका मोलर मास आपने को निकालना है, उसका प्रेशर कितना है आपके पास, 2 bar, उसका मोलर मास लेट से m1 है, इनटू गैस टू प्रेशर विच इज नाइट्रोजन, उसका मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास आपको पता है बेटा, नाइट्रोजन का मोलर मास आपका 28 है, सब्स्टिट्यूट करो 28, देयरफॉर m1 कितना आ गया आपका, इट इज 5 × 28/2, ये हो गया आपका आंसर। सॉल्व नहीं करो बेटा, ये तो बस कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दे रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। अल्टीमेटली वी हैव टू फोकस मोर ऑन दी कॉन्सेप्ट, हमको कॉन्सेप्ट ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई थिंक सबको क्लियर है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लेट्स मूव टू द थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द प्रेशर ऑफ ए 1 gram ऑफ एन आइडियल गैस ए एट 27 degree Celsius इज फाउंड टू बी 2 bar। एक गैस ए है जिसका ग्राम मास दिया आपको, टेम्परेचर दिया और प्रेशर दिया, ठीक है।
when 2 gram of another gas B is introduced in the same flask at the same temperature, the pressure becomes 3 bar. Find the relationship between their molecular masses. अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड वो कॉन्सेप्ट है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, कि भाई साहब आपके पास सर एक वेसल था जिसमें इनिशियली सिर्फ गैस ए थी, उस गैस ए का मास कितना था आपके पास? गैस ए का मास आपको क्वेश्चन में दिया है बेटा 1 ग्राम। लेट से इसका लेट इसका मोलर मास है कैपिटल एम ए, मैं अच्छा नोटेशन लगाने के लिए थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे ना डब्ल्यू ए लिख लेता हूँ, तो छोटा डब्ल्यू लिख लेता हूँ। इसका मास ए दिया है 1 ग्राम और उसका मोलर मास लेट से एम ए है। उस पॉइंट पे आपका सिस्टम का प्रेशर, द प्रेशर ऑफ गैस ए कितना है आपका? 2 बार। भाई जो बीकर का वेसल है वही गैस ए का प्रेशर है, बिकॉज गैस उस बीकर में सिर्फ कौन सी थी? आपके पास गैस ए थी, लेकिन उसी बीकर में आपने क्या किया, थोड़ी देर बाद गैस बी को इंट्रोड्यूस करा दिया और तब टोटल प्रेशर आपको क्वेश्चन में कितना दिया? 3 बार। ध्यान रखिएगा, आपको गैस बी का प्रेशर नहीं दिया है, आपका जब गैस बी इंट्रोड्यूस हो गई तब टोटल प्रेशर आपको दिया है 3 बार। और गैस बी कितने इंट्रोड्यूस है, उसका मास दिया आपको 2 ग्राम। सो गैस बी कितना इंट्रोड्यूस किया हमने? 2 ग्राम, ये क्वेश्चन में आपको दिया है। सो टोटल प्रेशर इज 3 बार, जिसमें कि गैस ए का प्रेशर मेरा 2 बार है, बिकॉज हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर मैं यहां पे हमने पढ़ा था कि टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच गैस, इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, एंड व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द पर्टिकुलर गैस। सो अगर मेरे को टोटल प्रेशर क्वेश्चन में 3 बार दिया है, दैट टोटल प्रेशर इज प्रेशर ड्यू टू ए प्लस प्रेशर ड्यू टू बी। ऑब्वियस है सर, यहां से एक एक्सप्रेशन तो मैं पहले निकाल लूं, क्या पता काम का है कि नहीं। टोटल प्रेशर सर 3 बार है, गैस ए के कारण प्रेशर कितना है सर? 2 बार, 2 बार प्लस प्रेशर बी के कारण, देखो प्रेशर ड्यू टू गैस बी कितना हो गया आपका? 1 बार। भाई मेरे को समझा कि पहले ये चीज तो निकाल लूं, बिकॉज कहीं ना कहीं गैस बी का प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने निकाल लिया। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द रिलेशनशिप देयर बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस, उनके मॉलिक्यूलर मासेस के बीच का रिश्ता बताना है आपको, पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। सो अब मॉलिक्यूलर मास के बीच का रिलेशन बताना आपको, वैल्यूज नहीं बताने आपको, रिलेशन बताना है। सो अगर मैं दोनों गैसेस के लिए कंपेयर करूं, अगेन आई विल राइट एन आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसके बाद मैं एक आइडियल गैस इक्वेशन लिखूंगा, कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। दोनों गैस के लिए वॉल्यूम तो सेम है बेटा, दोनों गैस के लिए आर भी सेम है, दोनों गैस के लिए टेम्परेचर भी सेम, बिकॉज दोनों गैस सेम बीकर में है। देखो दोनों गैस के लिए, देखो बोल सकता हूं कि दोनों गैस का पी बाय एन का रेशियो क्या है? कॉन्स्टेंट। दोनों गैस में एक्सप्रेशन लगा सकता हूं, पी बाय एन का रेशियो क्या लगा सकता हूं? कॉन्स्टेंट लगा सकता हूं। तो बेटा बस इस एक्सप्रेशन को लगा दो, एक पेज और ले लेते अपन। ठीक है, सो देयरफॉर मैंने रेशियो लगा लिया कि पी ए बाय एन ए इक्वल्स टू पी बी बाय एन बी। ठीक है, पी ए का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए हमने निकाल दिया क्वेश्चन में, 2 बार दिया था, 2 बार अपॉन मोल्स ऑफ ए। अब मोल्स ऑफ ए कितना होगा बेटा? मास ऑफ ए तो पता है 1 ग्राम, इसका मोलर मास है लेट से एम ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी निकाला था अभी हमने, 1 बार आया था पीछे, अभी निकाला जस्ट हमने, 1 बार आया है, तो 1 बार अपॉन मोल्स ऑफ गैस बी, इसके मास कितना है 2 ग्राम और उसका मोलर मास लेट से एम बी। तो उसको सॉल्व करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, 2 एम ए इज इक्वल्स टू एम बी बाय 2 आई थिंक। देयरफॉर आपको रिलेशनशिप बिटवीन देयर मोलर मोलर मास पूछा है, देयरफॉर एम ए बाय एम बी अगर अपन निकालते हैं, एम ए बाय एम बी, सो बेसिकली एम बी इधर आ गया, 2 इधर आ गया, इट बिकम्स 1/4। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में कई बार ऑप्शंस में अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो तो एम बी बाय एम ए भी दे सकते हैं आप, उसको अल्टीमेटली इन्वर्स कर लेना। ठीक है, चलिए लेट्स गो बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स, एक ड्रेन क्लीनर जिसका नाम है ड्रेनेक्स, ठीक है, जनरली हमारे घर पे आता है मिस्टर मसल ऐसा कुछ करके प्रोडक्ट आता है। ड्रेनेक्स कंटेन्स अ स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम विच रिएक्ट्स विद कॉस्टिक सोडा टू प्रोड्यूस डाई नाइट्रोजन। ड्रेन क्लीनर पता है आपको बेटा, जो क्लॉग्ड नाली वाली नहीं होती घर पे, जब जम जाती है पूरी, उसको क्लीन करने के लिए दैट इज कॉल्ड ड्रेन क्लीनर। ठीक है, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम था, वो एल्यूमिनियम का किसके साथ रिएक्ट करता है आपका? कॉस्टिक सोडा। व्हाट यू मीन बाय कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा इज बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड, पता होना चाहिए, बहुत कॉमन है और
कहीं ना कहीं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बताऊंगा मैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो याद हो जाएगा, बट एक कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड व्हेन मेटल, सॉरी अब बता दूं आपको, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट प्रोड्यूसेस डाइहाइड्रोजन, यहाँ पे दे दिया है, कई बार क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन दैट इज H2 गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार विल बी रिलीज्ड व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स। आपका 0.15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि H2 गैस का कितना वॉल्यूम होगा, पूछ रहा है आपसे वॉल्यूम, ना कि मोल्स, वॉल्यूम पूछ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं अपन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ रिएक्शन फॉर दिस। सो एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, सो इट रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब मैं बता दूं, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे बता दूं आपको, एल्यूमिनियम इज बेसिकली अ मेटलॉइड, इनफैक्ट इट इज अ एम्फोट्रिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम इज अ एम्फोट्रिक ऑक्साइड, एक जस्ट इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, इट इज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स बोथ विद एसिड एंड बेस, ये दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स बोथ विद एसिड एंड बेस, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है इट एक्ट लाइक अ बेस, और जो बेस के साथ रिएक्ट करता है इट एक्ट लाइक एन एसिड, और सो एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिएशन बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी रिएक्शन है, याद होनी चाहिए, ठीक है। सो प्रोडक्ट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaLO2 प्लस H2, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, और H2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो गई आपकी। ऑब्वियस है सर, यहाँ पे स्टोकियोमेट्री लगेगी, कहीं ना कहीं अगर मैं H2 गैस के मोल्स निकालूं, मेरे को एल्यूमिनियम के मास पता है, मीन्स मेरे को एल्यूमिनियम के मोल्स पता है, सो कहीं ना कहीं से अगर मैं H2 गैस के मोल्स निकालूं तो बेटा सर मेरे को प्रेशर तो दिया है क्वेश्चन में, टेम्परेचर दिया है, तो अल्टीमेटली मेरे को मोल्स वॉल्यूम तो निकालना है, तो PV इक्वल्स टू NRT यूज़ कर लूँगा, समझने की कोशिश करो, मेरे को वॉल्यूम ऑफ H2 पूछा है तो मेरे को मोल्स मिल गए, तो बाकी तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करके सॉल्व भी कर सकता हूँ, तो पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करो। चलो बैलेंस करते हैं, एल्यूमिनियम एक है बैलेंस्ड है, सोडियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन कितने 2, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, इसको अपन ने कर दिया 3/2, और इसको 3/2 कर दिया तो इसको बेटर है, मैं इसको एक्सप्रेशन कर दिया, फॉर इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज़ 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O गिव्स 2NaLO2 प्लस 3H2, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया है एल्यूमिनियम के मास कितना दिया आपको, 0.15 ग्राम दिया है, ठीक है, ऑब्वियस है, बाकी सब के बारे में कुछ नहीं बात के तो मान के चलेंगे यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्शन कॉन्सेप्ट नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर आपके पास एक्सेस में है, तो जो भी कुछ प्रोडक्ट है वो कौन डिसाइड करेगा, आपका एल्यूमिनियम डिसाइड करेगा, ठीक है। सो आप रिएक्शन में इसके पहले मोल्स निकालो, उसके मोल्स कितने हो गए, सो इट इज 0.15 बाय एल्यूमिनियम का मोलर मास, एटॉमिक मास होता है 27, ये इसके मोल्स हो गए, तो लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 इज प्रोड्यूस्ड। सो 2 मोल एल्यूमिनियम से 3 मोल हाइड्रोजन बनता है, नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन स्टोकियोमेट्री, अप्लाइंग स्टोकियोमेट्री, सो एम नाउ राइट नाउ अप्लाइंग स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री की स्पेलिंग इधर उधर हो गई है, बुरा नाम आने, ठीक है। चलो सो स्टोकियोमेट्री का 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम की 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सो 1 मोल एल्यूमिनियम कितना देगा, 3/2, मेरे पास कितने मोल्स है, 0.15/27, देयरफॉर moles of H2 produced, therefore moles of H2 produced is 3/2 into 0.15/27, ये मेरा 50% काम खत्म। नो नेक्स्ट 50% काम आता है आपसे क्वेश्चन में, ध्यान रखना बेटा, आपसे क्वेश्चन में व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन पूछा है, सो अब आपको यूजिंग करना पड़ेगा, नाउ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे एक बच्चे को टेंशन आता, मैं उसलिए बता रहा हूँ बस, PV इक्वल्स टू NRT, सर जी प्रेशर दिया है मेरे को बार में, वॉल्यूम सर किस में दिया है पता नहीं, वॉल्यूम तो निकालना है, टेम्परेचर में केल्विन में कन्वर्ट करना है, कोई टेंशन नहीं सर। सर आपने जो R की वैल्यू मेरे को 2 बताई थी, एक बताई थी जब प्रेशर आपका ATM में रहता है, वॉल्यूम लीटर में रहता है, तो R की वैल्यू बताई थी आपको 1/12, दूसरी बताई थी जब प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यहाँ तो सर प्रेशर बार में ही है सर, अब क्या करूँ। देखो पहली बात, दो चीज़ें समझने की है, बार और ATM अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, आप चाहो तो जो बार दिया है उसको ATM लेके सॉल्व कर दो, लेकिन जिसको लगता नहीं सर हमको तो 100% कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए बता दूं आपको, मैंने रिलेशन लिखाया था क्लास में कि 1 ATM इक्वल्स टू 1.013 बार, आप समझो बेटा अल्टीमेटली ATM को बार में कन्वर्ट करने के लिए 1.01 का फैक्टर है, बहुत 1.01 भी होता समझता 1.01, एक डेसिमल ऑलरेडी आ गया, ज़्यादा फर्क नहीं है,
सो अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं 1 ATM को अप्रोक्सीमेटली अपनी कैलकुलेशन में 1 bar ही रखता हूँ बेटा, मैं ध्यान रखूँ, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं कभी कैलकुलेशन में कन्वर्ट नहीं करता, बट अदरवाइज आपको कन्वर्ट करना आप कर लो, अल्टीमेटली आपको वो बार को जो दिया है ATM पे कन्वर्ट करने के लिए 1 ATM इक्वल्स टू 1.013 bar, सो 1 bar इक्वल्स टू 1/something दिस 1/1.01, सो उसको बार में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा इतने से, तब जाकर आपका ATM में कन्वर्ट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट मैं अपनी कैलकुलेशन दोनों का अप्रॉक्सीमेटली लेता हूँ बेटा, मैं कभी कॉम्प्लेक्स नहीं करना, हमको कैलकुलेशन अवॉइड करनी है, सो कॉम्प्लेक्स चीज़ें मत करो। मैं अगर अपनी कैलकुलेशन करूँगा तो मैं आपको बता दूँ मैं प्रेशर को कितना दिया आपको क्वेश्चन में, 1 bar दिया है तो यहाँ 1 ATM में आ गया, वो वॉल्यूम आएगा जो भी आएगा वो लीटर्स में आएगा, ध्यान रखना, बिकॉज मैं आप आर का वैल्यू लीटर ATM वाला रखने वाला हूँ। मोल्स मेरे कितने H2 के, इट इज 3/2 इंटू 0.15/27 इंटू आर, आर इज बेसिकली 1/12 जिसको मैं 0.0821 बोलता हूँ, और टेम्परेचर 20°C का 293 केल्विन। सॉल्व करके यहाँ पे वॉल्यूम आपका लीटर्स में आएगा, ध्यान दे, मैं एक बार अपने आपको इनविजिबल कर लूँ तो आप देख लीजिए, एक्सप्रेशन में मैंने 1 bar था बट उसको 1 ATM माना है, ध्यान रखना, ये मेरा अजम्पशन है कैलकुलेशंस का, मेरा मेन पार्ट मैं आपको यहाँ समझाने इसलिए मैं वेट किया हूँ। वॉल्यूम आपका सॉल्व करने के बाद लीटर्स में आएगा बिकॉज हमने आर का वैल्यू 1/12 लिया है, बस दैट्स ऑल। क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide contained in a 9 decameter cube flask at 27°C? बहुत ही सिंपल सवाल बेटा, फटाफट सॉल्व करो बस। क्या दिया आपको, एक सिस्टम है, आपको टोटल प्रेशर पूछा है, टोटल प्रेशर जिसमें आपके पास 3.2 gram methane है which is CH4 and 4.4 gram आपकी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस सिस्टम का आपको वॉल्यूम दिया है, अब मेरे को बेटा याद हो गया है कि 1 decameter cube इक्वल्स टू 1 liter, तो मैं लीटर ही लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे को लीटर वाली यूनिट पता है, तो मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसका वॉल्यूम कितना दिया मेरे को 9 liters, और टेम्परेचर दिया कितना मेरे को 300 केल्विन, 27°C को 2+70 से ऐड किया, आपको टोटल प्रेशर पूछा है, या पहले टोटल मोल्स निकालो। टोटल मोल्स निकालने के लिए आप क्या करो, पहले मोल्स ऑफ मीथेन कितने आ गए आपके, सो इट इज बेसिकली 3.2 / 16, ठीक है, एंड मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने आपके आपके आ गए, इट इज 4.4 / 44, देखो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे आपके, मोल्स ऑफ कार्बन मीथेन, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉल्व करके आप निकाल लेना, ठीक है, फटाफट आगे चलो। नाउ अब आपको सॉल्व करना है, प्रेशर निकालना है, अगेन यूजिंग PV इक्वल्स टू NRT। अब मेरा मेन पार्ट अल्टीमेटली यूनिट्स में ही है, सर जी प्रेशर तो निकालना है, वॉल्यूम किस में लिख रहा हूँ मैं, लीटर्स में, तो वॉल्यूम लीटर्स में, मोल्स तो एंड टोटल निकाल लूंगा मैं, लिख लूंगा यहाँ से सॉल्व करके, R का वैल्यू कौन सा लिखूँ, जब वॉल्यूम लीटर में, ऑब्वियस आंसर प्रेशर ATM में, लेकिन R का वैल्यू कौन सा लूंगा, लीटर ATM वाला, विच इज अगेन 1/12, या जिसको 0.0821 लिख सकते हैं अपन, मैं 1/12 अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन के लिए, और टेम्परेचर आपका 300, यहाँ से सॉल्व करके जो प्रेशर आएगा कौन सी यूनिट में आएगा, ATM में आएगा, ध्यान रखें, ठीक है, सॉल्व करके प्रेशर किस में आएगा आपका, ATM में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 एट 0.8 बार एंड 2 लीटर ऑफ डाइऑक्सीन एट 0.7 बार आर इंट्रोड्यूस्ड इन 1 vessel एट 27°C। अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया आपको क्वेश्चन में, आप समझने की कोशिश करना, आपको एक आपके पास H2 गैस है जो कि कौन से प्रेशर में है, जिसका वॉल्यूम कितना है आपके पास 0.5 लीटर है, और H2 गैस का प्रेशर आपके पास क्वेश्चन में कितना दिया है 0.8 बार। आपके पास O2 गैस दिया है जिसका वॉल्यूम आपको कितना दिया, आपको वॉल्यूम ऑफ O2 गैस यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2 लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कितना दिया आपको 2 liter, और पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीन दिया आपको 0.7 bar, ठीक है। इन दोनों गैसेस को आप इंट्रोड्यूस किस में कर रहे हो, एक दूसरे वेसल में जिस वेसल का आपका फाइनल वॉल्यूम वी है कितना 1 liter, और टेम्परेचर तो बेटा दोनों अब टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो उसका टेम्परेचर भी कितना है आपका 300 केल्विन, तो आपको यहाँ का पी टोटल पूछना है, ठीक है। आपने दोनों गैस को इंट्रोड्यूस किया, अब आप एक चीज़ बताओ, जब मैंने H2 गैस को इंट्रोड्यूस किया तो ऑब्वियस है सब, मेरा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, मेरे H2 गैस के मोल्स कॉन्स्टेंट, तो फाइनली फॉर H2 गैस, अब मैं फॉर H2 गैस अगर एक्सप्रेशन देखूं, फॉर H2 गैस
और एच टू गैस, जब एच टू गैस का ई स्टेट वन है और एच टू गैस के लिए स्टेट लेट से थ्री लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इसके लिए स्टेट वन ऑफ एच टू और ये ओ टू गैस का स्टेट टू लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो एच टू गैस जा रही है मेरी स्टेट वन से स्टेट थ्री जा रही है, जब एच टू गैस स्टेट वन से स्टेट थ्री जा रही है तो भाई साहब मेरे पूरे प्रोसेस में अगर मैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी को देखूं, सर टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, देखो पी वी का प्रोडक्ट क्या है सर, कांस्टेंट है। सो एच टू गैस के लिए पूरे प्रोसेस में पी वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इट मीन्स जब एच टू गैस को मैं वन लीटर के वेसल में इंट्रोड्यूस करूंगा तो वहाँ पर प्रेशर मेरा कुछ नया आएगा। सेम चीज़ ओ टू गैस को जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो वहाँ पर प्रेशर कुछ नया आएगा, और फाइनल दोनों प्रेशर को आपको क्या करना है, बस ऐड करना है। सो एच टू गैस के लिए एक्सप्रेशन लगाओ, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू कितना था 0.8, वॉल्यूम कितना था उसका 0.5, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू कुछ एच टू डैश हो गया, पता नहीं एच टू डैश हो गया, इनटू वॉल्यूम कितना है 1, देयरफॉर पी डैश ऑफ एच टू कितना हो गया आपका 5, एक जा कितना होता है 40, तो बेसिकली 0.5, ये कितना आ गया 0.4 बार, ठीक है। ये इस बीकर का प्रेशर है एच टू गैस का, जब इस एच टू गैस को मैंने इस बीकर में इंट्रोड्यूस किया जो कि 1 लीटर का वेसल था। सेम चीज ओ टू के साथ लगाओ बेटा, कि ओ टू भी जब आ रहा था उसके लिए सब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी था, जिसमें उसके मोल्स चेंज नहीं हुए सर, आर चेंज नहीं हुआ, टी चेंज नहीं हुआ, देखो उसके लिए पी वी का प्रोडक्ट क्या है सर, कॉन्स्टेंट है। तो वही एक स्पेशल लगाऊंगा कि पी वी का प्रोडक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर ऑफ ओ टू कितना था 0.7 इंटू वॉल्यूम कितना था उसका 2 इज इक्वल्स टू, वहां पे प्रेशर पी डैश ओ टू हो गया इंटू वॉल्यूम कितना है 1, देयरफॉर पी डैश ओ टू कितना है आपका 1.4 बार। सो फाइनली पी टोटल कितना हो गया आपका, पी डैश एच टू प्लस पी डैश ओ टू कितना हो गया बेटा आपका 0.4 प्लस 1.4 कितना आ गया, इट इज गोइंग टू बी 1.8 बार, यह हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि कैसे सॉल्व किया अपन ने, पहले एक एच टू गैस थी, ओ टू गैस थी, दोनों एच टू गैस ओ टू गैस का प्रेशर वॉल्यूम अलग था, हमने दोनों को एक सिंगल सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया, तो जब सिंगल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया तो बेटा एच टू गैस का वॉल्यूम चेंज होने के कारण एच टू गैस का प्रेशर चेंज हो गया, ओ टू गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया कारण ओ टू गैस का प्रेशर चेंज हो गया। फाइनली हमारा टोटल प्रेशर क्या होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, तो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस, जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, और दोनों प्रेशर्स को हमने क्या किया, फाइनली ऐड कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अच्छा है इस क्वेश्चन का, बुरा नहीं है, ठीक है, चलिए वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल टाइप का क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है, यस वेरी गुड। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर डेकामीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब मेरे दिमाग में लीटर चमकता है बस, एट 27 डिग्री सेल्सियस एट 2 बार प्रेशर, व्हाट विल द डेंसिटी एट एसटीपी, व्हाट डू मीन बाय एसटीपी, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको बेसिकली उस केस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर होता है हो गया और प्रेशर होता है आपका 1 बार, ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको उसकी डेंसिटी पूछ रहा है उस पर्टिकुलर गैस की, समो एक्सप्रेशन लिखो आपको समझ में आ जाएगा। सो पहले आपको डेंसिटी कितनी दी आपको 5.46 ग्राम पर डेकामीटर क्यूब, अब डेंसिटी का एक्सप्रेशन आपको पता है इट इज पीएम बाय आरटी, ठीक है, तो पहले मैं डेंसिटी इसको लेट से आई एम टेकिंग इज d1 और इस पर्टिकुलर कंडीशन को डेंसिटी को ले रहा हूं d2 सॉल्व करके वैल्यूज निकालो। सो d1 का वैल्यू कितना है आपके पास, प्रेशर कितना दिया आपको 2 बार, ध्यान रखना यहां पे 2 बार, बार 1 atm इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 बार है मेरी कैलकुलेशन में, ध्यान रखेंगे बेटा ये चीज को आप ध्यान रखना। डेंसिटी भी मेरे पास ग्राम पर, मेरी डेंसिटी कितनी दी मेरे को यहां पे, ये जो डेंसिटी दी है इसको मान के चलो दी है 5.46 ग्राम पर लीटर, समझ रहा हूं मैं इसको लीटर, बिकॉज मेरे को अल्टीमेटली यार एक तो लीटर और बार को मैं एटीएम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डेकामीटर का तो 1 लीटर ही होता है, बार और एटीएम का अप्रॉक्सिमेटली सेम मानता हूँ मैं कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए। सो यहाँ पे जो डेंसिटी का एक्सप्रेशन सॉल्व करूंगा मैं लीटर एटीएम वाला सॉल्व कर रहा हूँ। सो डेंसिटी गिवन है 5.46 जो कि डेंसिटी इक्वल्स टू पीएम बाय आरटी, पी 2 बार को 2 atm, इट इज बेसिकली 2 atm, मोलर मास गैस का पता नहीं अपने को, अपॉन आर जरूरत नहीं सॉल्व करने का भी, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपको सॉल्व नहीं करना, अब दोनों एक्सप्रेशन का रेशियो निकालने वाला फाइनली सॉल्व करने के लिए। इंटू टी कितना दिया है 300 केल्विन, ये आपका डी वन का वैल्यू दिया है, डी टू आपको कितना हो गया बेटा, प्रेशर कितना है ना, स्टैंडर्ड एसटीपी कंडीशन क्या होती है, एसटीपी कंडीशन इज 1 बार और टेम्परेचर इज 273 केल्विन, सब्स्टिट्यूट करते जाओ बेटा फटाफट, 1 बार मीन्स बेसिकली 1 atm,
यहाँ पे वन बार इज बेसिकली वन एटीएम, तो डेंसिटी डी टू कितना है आपका 1 atm इन टू मोलर मास, नहीं पता सर आर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 273। देखो इक्वेशन टू इक्वेशन वन दोनों को डिवाइड कर दो, बिकॉज आपको एम और आर पता नहीं है तो आपको चीज़ों को डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। इट मीन्स एक एक्सप्रेशन से निकाला दूसरे एक्सप्रेशन से सब्स्टिट्यूट किया, एक तरह से वही बात कर रहे हैं अपन दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो विल डिवाइड 1/2, सो 5.46 डिवाइड बाय डी इज इक्वल्स टू 2m/300r, ये कितना आ गया 273r डिवाइड बाय m। ये देखो mm कैंसिल, rr कैंसिल, और फाइनली आपके एक्सप्रेशन में देखो डेंसिटी कितनी आ गई अगर मैं सॉल्व करके बताऊं आपको, सो 5.46 इंटू 300 बाय 2 इंटू 273, ठीक है। और ये 273 का देखो ट्वाइस दिख रहा है मेरे को कहीं ना कहीं, 546 ट्वाइस ऑफ 273, तो बहुत ही इजी एक्सप्रेशन है, और डिवाइड बाय 100 वो 330000 कैंसिल हो जाएगा और बहुत अच्छी सी वैल्यू आपकी डी टू की आ जाएगी सॉल्व करके। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बट आपको हिंट दे रहा हूँ, दिखना चाहिए 273 का जस्ट ट्वाइस लिखा है 546, ठीक है ना, कहीं ना कहीं आपका पूरी कैलकुलेशन आपको करके देखा है इस क्वेश्चन ने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 34.05 ml ऑफ ए फॉस्फोरस वेपर वेज 0.625 ग्राम एट 546 डिग्री सेल्सियस एंड 0.1 बार प्रेशर, व्हाट विल द मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाना है, बस वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, आपको मोलर मास पूछा है, इट मींस आपको मोल्स निकालना है। मोल्स निकालते हैं आपको, मोल्स क्या होता है बेटा, मास बाय मोलर मास, मास दिया है मोलर मास निकाल लेना फाइनली यार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना है, अगेन यूनिट्स का। इफ यू आर यूजिंग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो अगेन अगर मैं आर का वैल्यू 1/12 लिख रहा हूं तो मेरे को प्रेशर चाहिए एटीएम में, और प्रेशर एटीएम में चाहिए, तो मैंने अभी आपको पहले 10 बार बोल दिया, अगेन बोल रहा हूं कि भाई मेरे लिए कैलकुलेशन के लिए 1 atm इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 bar है, दोनों बराबर हैं, तो देयरफॉर मेरा ये जो प्रेशर है ये प्रेशर कितना हो गया, मैं इसको लिखूंगा 0.1 atm लिखूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस केस में वॉल्यूम मेरा लीटर्स में रहता है तो इट इज वॉल्यूम इज 34.05 डिवाइड बाई 1000 करना मत भूलें आप लोग, अदरवाइज आप गलत कर जाएंगे। आर का वैल्यू 1/12, टेम्परेचर तो बेटा आपको जन्म जन्म तक ध्यान रखना है आपको, ठीक है, टेम्परेचर को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि भाई तू हमेशा केल्विन में रहेगा, तेरे को रूप चेंज करने की जरूरत नहीं है, तेरे एक ही रूप है, और उसका रूप कितना है, इट इज बेसिकली 546 प्लस 273, ये टेम्परेचर आपका केल्विन में आ गया। सब्स्टिट्यूट करो सॉल्व करके, मोल्स निकालोगे बेटा, मोल्स आ जाएंगे, और आपको पता है बेटा मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मास आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको 0.0625, ये क्वेश्चन में गिवन है, फाइनल देवफर यहाँ से आपका मोलर मास भी आ जाएगा। देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट गिविंग द आइडिया हाउ टू सॉल्व, मैं सॉल्व कर दूंगा कोई मतलब नहीं रहेगा, अल्टीमेटली आपको पूरा आइडिया हो रहा है कि सॉल्व कैसे करना है, कहाँ पे आप गलती करने वाले वो पार्ट में फोकस करूँ, दैट इज टोटली ऑन यूनिट, मैं इसमें पूरा फोकस आपको करके बता दिया हूं कि भाई अगर प्रेशर बार में इसको एटीएम मान लिया तो वॉल्यूम आपका एम एल एस को लीटर्स में कन्वर्ट करो, आर का वैल्यू कौन सा लिखोगे लीटर एटीएम वाला, दैट इज 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। यहां से मोल्स आ गए, मोल्स इस मास अपॉन मोलर मास, मास दिया है मोलर मास पूछा है निकाल दिए, ध्यान रखना सर फॉस्फोरस और मोलर मास तो पता है बेटा, बट अल्टीमेटली ये आपसे चेक कर रहा है कि आप कितने अच्छे प्रॉपर तरीके से यूनिट्स को लगा पाते हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू एड द रिएक्शन मिक्सचर टू द कंटेनर एट 27 डिग्री सेल्सियस बट इंस्टेड, समझो चलो आगे पढ़ते, बट इंस्टेड ही प्लेस द कंटेनर ऑन द फ्लेम। उसने क्या किया, एक स्टूडेंट था, कुछ रिएक्शन मिक्सचर को कुछ उसको बंद करना था, बट उसने फाइनली रिएक्शन बंद नहीं करके उसने उस सिस्टम को उसने एक फ्लेम रख दिया। आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम ही केम टू नो दैट अबाउट द मिस्टेक एंड यूजिंग द पायरोमीटर ही ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इज अराउंड 477 डिग्री सेल्सियस, वॉट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एस्केप्ड। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बट क्वेश्चन ठीक है, लेट्स से इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक आप लोगों के जैसे एक स्टूडेंट था जो कि लापरवाह था, ध्यान नहीं दे रहा था, उस स्टूडेंट ने क्या किया, उस स्टूडेंट को एक रिएक्शन मिक्सचर थी, कुछ रिएक्शन चल रहा था एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर कोई गैस थी, क्या लिया उसने, एयर थी ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर बोला है, लेट्स से उसके अंदर एयर थी, ठीक है, उस एयर का टेम्परेचर और T1 दिया था क्वेश्चन में 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको कुछ काम करने का दिया गया था, बट उसका ध्यान कहीं और था, जैसे हमारे सभी बच्चों का होता है, उसने इस रिएक्शन में शो कहाँ रख दिया, एक फ्लेम में रख दिया,
यहाँ से फ्लेम जल रही है, और थोड़ी देर बाद जब उसने ऑब्जर्व किया तो इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना हो चुका है बेटा, 477 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना हो चुका है आपका, 477 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछ रहा है जब वो हीट कर रहा था तो कितनी फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप हो गई। अब आप पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करो बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि सर उसने प्रेशर की बात नहीं करी, मींस लेट से मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा, बीकर खुला होगा, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, बिकॉज वॉल्यूम कंटेनर चेंज नहीं हो रहा, कंटेनर का साइज चेंज हो रहा है, तो कंटेनर का वॉल्यूम इज ऑल्सो कांस्टेंट। समझने की कोशिश करो बेटा, प्रेशर के बारे में बात की, इट मीन्स प्रेशर कांस्टेंट मान के चल रहा है, बताया नहीं मीन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट बिकॉज बात नहीं कर रहा है, मोल्स तो चेंज हो रहे बिकॉज एयर एस्केप हो रही है, आर भी कांस्टेंट, देयरफॉर पूरे प्रोसेस में देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एन इंटू टी का प्रोडक्ट क्या है मेरे लिए कांस्टेंट है, पूरे प्रोसेस में मोल्स इंटू टी का प्रोडक्ट क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। मैं बोलता हूँ लेट इनिशियल मोल्स, आपको फ्रैक्शन निकालना है ना, लेट इनिशियल मोल्स कितने थे हमारे पास, लेट से एन थे, लेट इनिशियल मोल्स एन थे, और फाइनल मोल्स अभी कितने हो गए आपके, फाइनल मोल्स कितने हो गए सिस्टम के, लेट से एन टू है, आपको ये N2 निकालना कितना हुआ, तो सॉल्व करते हैं, चलो NT का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपका, ये 300 केल्विन है, सो कन्वर्ट कर लिया अपन ने, और इसको 273 किया तो 1073 273 1415 और 567 750, ये कितना हो गया आपका 750 केल्विन। चलिए N इंटू T का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अप्लाई करते हैं, इनिशियल मोल्स थे N, टेम्परेचर था 300, फाइनल मोल्स क्या हो गया N2 पता नहीं, बट फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया आपका 750, देयरफॉर फाइनल मोल्स गैस के कितने बचे आपके, इट इज 300 एन डिवाइड बाय 750, कितना आ गया यार, 5 6 30 5 1 5 2 कैरी 5 5 25 3 2 6 3 5 15, सो फाइनल मोल्स कितने बचे, 2 n by 5, ये फाइनल मोल्स बचे, देयरफॉर आपसे पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड, कितनी एयर एस्केप हो गई, तो मैं पूछूंगा बेटा मोल्स ऑफ एयर एस्केप निकालूं, मोल्स ऑफ एयर एस्केप्ड कितने हो गए, इनिशियल कितने लिए थे n, बचे कितने 2 n by 3 2 n by 5, माइनस 2 n by 5 कर दूं, तो कितने मोल्स बचे हमारे, कितने मोल्स एस्केप हो गए, सॉरी बचे तो हमारे 2 n by 5 थे, बचे तो हमारे 2 n by 5 थे, बचे कितने एस्केप कितने हुए, इट इज 5 minus 2 n 3 n by 5, क्या सबको क्लियर है, कैलकुलेशन सही करें अपन, 5 30 3 2 6 3 5 15, ठीक है 2 n by 5 मोल्स मेरे फाइनली बचे, ठीक है तो बच एस्केप कितने हुए 3 n by 5, तो देयरफॉर आपसे जो पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एयर गैस एस्केप, तो कितनी एस्केप हुई, तो बेसिकली आपसे पूछा है देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप्ड क्या होगा आपका, कितनी एयर एस्केप करी, दैट इज 3 n by 5 है ना, 2 n by 5 तो बची 3 n by 5 थी कितनी n इंटू 100, n तो कैंसिल हो जाएगा, और फ्रैक्शन पूछा तो 100 की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट तो इट इज़ बेसिकली 3 by n, ये आपका 3 by 5, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है तो इट इज़ बेसिकली 3 by 5 इट्स योर आंसर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, आपको सोचना पड़ता है कि प्रेशर भी कॉन्स्टेंट है प्रोसेस में, वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्वेश्चन में, to understand it by applying some concepts by basics, यार गैस एस्केप हो रही है, सिस्टम ओपन है, सिस्टम ओपन है तो प्रेशर सिस्टम का गैस तो सेम रहेगा, सारी की सारी गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही है, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट बिकॉज गैस का बीकर ओपन है, तो क्या मेरा बीकर का साइज छोटा बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, गैस के बीकर का साइज छोटा बड़ा कब होता है, जब गैस में पिस्टन लगा होता है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है, समझो ये दोनों चीज़ों को आपको इमेजिन करके आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 mole ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग 5 tm³ एट 3.32 bar, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, सिर्फ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाना है। अब मैं अगर आपको बोलूं बेटा मैं, तो मैं उस आर की वैल्यू को मैं याद नहीं रखूंगा जो कि बार डेकामीटर क्यूब में है, मेरे को दो ही वैल्यू याद हो जाए बहुत अच्छी बात, मैं अपनी आदत बता रहा हूँ बेटा, एंड फाइनली मेरे को पता है कि मैं बार को मैं एटीएम को बार और एटीएम का अप्रॉक्सीमेटली बराबर ले सकता हूँ, और डेकामीटर क्यूब मेरा लीटर ही होता है,
सो मैं अगर मैं कंडीशन लिखूंगा एक्चुअल बेसिस में, तो आपको मोल्स ऑफ गैस कितने दिए 4, आपको वॉल्यूम कितना दिया गैस का 5 लीटर, और प्रेशर कितना दिया आपको 3.32 एटीएम लिख रहा हूं, बिकॉज एटीएम इज 1 एटीएम इज अप्रोक्सीमेटली, इट इज नॉट एग्जैक्टली, बट मेरे को भाई अल्टीमेटली एग्जामिनेशन टाइम पे अगर मेरे को आंसर्स निकालने तो मैं अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत पहुंचूंगा बेटा। मेरा आंसर 5.2 आया, आंसर 5.5, चलेगा यार थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर आपसे पूछा है क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन है, परम धर्म इक्वेशन आपकी क्वेश्चन है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, प्रेशर दिया आपको 3.32, वॉल्यूम दिया 5, मोल्स दिया है 4, आयर का वैल्यू लिखोगे लीटर एटीएम वाला दैट इज 0.0821, यहाँ पे पूरा लिखता हूँ मैं 0.0821, आप लोग कैलकुलेशन के लिए 1/12 ले लेना, और देखो 1/12 के कितना थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, मजा आएगा देख के, इनटू टेम्परेचर पूछा है, यहाँ से टेम्परेचर सॉल्व करके आपका केल्विन स्केल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, डाई नाइट्रोजन गैस, ये है मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ठीक है, बट एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को यहाँ दिया है, और ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा है 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है, याद आ रहा है किसी को थोड़ा थोड़ा, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है इनफैक्ट कई जगह, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है यार, N2 गैस है जिसका मास कितना दिया वो क्वेश्चन में 1.4 ग्राम, आपसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, सर पहले ये पता कर लूँ कि N2 की गैस के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 है टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, सो दो नाइट्रोजन के एटम से टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, चलो ये एक मॉलिक्यूल में। अब अगर मैंने ये पता चला कि टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये पता कर लिया तो इनटू बस 14 ही तो करना है भाई, इसको यूनिटरी मेथड, सर एक चॉकलेट 5 रुपए की, 10 चॉकलेट कितने की 50 रुपए की, 10 × 5, तो वही कर रहे अपन, एक मॉलिक्यूल में N2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल मॉलिक्यूल पता कर लूँ तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बता दूंगा सर। सर मेरे को देयरफॉर नाउ मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे पहले, सर मोल्स ऑफ N2 कितना आएगा, 1.4 डिवाइड बाय 28, ध्यान है 28 मोलर मास इज 28 नाइट्रोजन, देयरफॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 कितना आ गया, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो 1.4 इंटू 28 इंटू लेट से 6.02 इंटू 10^23, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 14, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सॉल्व करने में अच्छा नहीं लग रहा मेरे को पता है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इट इज 1.4 डिवाइड बाई 28 इंटू 6.02 इंटू 10^23, ये पूरा फैक्टर है, इंटू 14, यहां से आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना यार, जिस पैटर्न में आपको ऑप्शन में आंसर दिया है उस पैटर्न में अपने आंसर को आप निकाल लेना, ठीक है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, 3.02 को 3 लिख ले, 6.02 को 6 लिख लेना, 1.4 डिवाइड बाय 28 एग्जैक्टली 2 का फैक्टर है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अगेन एक और कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट का, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ वीट ग्रेन्स If 10^10 grains are distributed in each second, आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्या है, grains, grains means गेहूं के दाने हैं आपके पास, कितने एवोगैड्रो नंबर, तो कितने दाने आपके पास बेसिकली, सो टोटल ग्रेन्स आपके पास कितने हैं, ये क्वेश्चन ना करवाने में गलत आ रहा है, इट इज 6.02 10^23 दाने आपके पास, आप एक सेकेंड में 10^10 grains को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, इतने दाने और एक सेकंड में कितना डिस्ट्रीब्यूट करो 10^10 ग्रेन्स, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10^23 डिवाइड बाय करूंगा 10^10, ये आंसर आएगा मेरा सेकंड्स में, ठीक है, मेरे ख्याल से इसका स्टैंडर्ड आंसर दिया रहता है ईयर्स में, इसको बस आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, इसी टाइम रिक्वायर्ड को मैं ईयर्स में निकाल रहा हूं, तो 6.02 इंटू 10^23, ठीक है, डिवाइड बाय 10^10, अब देखो और डिवाइड करो, अब इस टर्म को डिवाइड करो मैं 60 से, ये कन्वर्ट किस में हो गया, मिनट्स में, तो मिनट्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं आर्स को, सो कन्वर्ट कर दिया डिवाइड बाय 60 कर दिया एक और, अभी किस में कन्वर्ट हो गया आपका आर्स में, फिर कन्वर्ट कर रहा हूँ आर्स को डेज में, कि एक दिन में कितना हुआ डिवाइड बाय 24, ठीक है, और इसका आंसर स्टैंडर्ड आंसर ईयर्स में दिया कितने साल लगेंगे, सो एक दिन में ये इतना, ये कितने पर डे का आ गया,
अब ईयर पूछा है तो इंटू 365 कर दिया, डिवाइड बाई 365 कर दिया, ये आंसर टोटल आपका ईयर्स में आ गया। इतने ईयर्स लगेंगे इसको उतने ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, अच्छा खासा बड़ा नंबर आएगा। आप देखोगे जब अच्छा खासा बड़ा नंबर आएगा, जबकि आप 10 की पावर 10 ग्रेन्स एक सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, सॉल्व करना समझ में आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। तभी सोचो कि 10 की पावर 10 ग्रेन्स एक सेकेंड में तो भी इतना टाइम, सोचो कितने आइटम्स कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं यार। अब इमेजिन करो कि हमको मोल टर्म की जरूरत क्यों पड़ी। नॉर्मल काउंटिंग से हम मोल टर्म को नहीं बात करते, हम मोल्स में इसलिए बात करते हैं बिकॉज अगर मैं बोलूँगा मेरे पास 10 की पावर 50 आइटम्स है, आपके पास 10 की पावर 30 आइटम्स है, बाय जोड़ना घटाना अंडरस्टैंडिंग करना डिफिकल्ट, इसलिए हमने मोल टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ ए 8 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ वेसल ऑफ 1 डेकामीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेक आर इक्वल्स टू दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यार, टोटल प्रेशर पूछा और आपको बेटा हमने पढ़ रखा है कि आपके एक सिस्टम में O2 गैस है और आपके सिस्टम में H2 गैस है। O2 गैस का मास कितना दिया आपको, 8 ग्राम। H2 गैस का मास दिया 4 ग्राम। इस वेसल का आपको वॉल्यूम दिया, अगेन डेकामीटर क्यूब, मैं ले रहा हूँ लीटर, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे को यूनिट्स का यूज करना ध्यान रहे। सो यूनिट्स में लिख रहा हूँ, वॉल्यूम कितना है इसका 1 लीटर, और टेम्परेचर में क्वेश्चन में कितना दिया आपको, क्वेश्चन में 27 डिग्री 300 केल्विन। सो अगर वॉल्यूम ये है ये है, तो मेरा आर का वैल्यू कौन सा लिखूंगा मैं, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। मेरे को तो ये यूनिट्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर है, ठीक है। सॉल्व करके पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में सब्सटीट्यूट कर दो बेटा, मोल्स क्या होंगे, टोटल प्रेशर निकाला तो टोटल मोल्स निकालोगे। सो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया, इट इज 8/32। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया आपका, 4/2। देखो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे आपके, इट इज मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ H2। यहाँ पे जो n आएगा, p निकालना है, वॉल्यूम कितना है 1, मोल्स कितना आएगा n टोटल, जो आप निकालोगे r का वैल्यू 0.0821 या 1/12 इंटू टेम्परेचर 300। यहाँ से सॉल्व करके प्रेशर कौन सी यूनिट में आएगा, ATM में आएगा। अगर आंसर बार मिले तो ये चीज़ बार में लिख देना, बिकॉज ATM इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू बार, तो ATM को बार में कन्वर्ट करने मत बैठ जाना आप, ठीक है, चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ द बलून। अच्छा, कैलकुलेट द पेलोड व्हेन अ बलून ऑफ रेडियस 10 मीटर मास 100 kg इज फिल्ड विथ हीलियम एट 1.66 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ एयर इज, जिस एयर में हमारा बलून उड़ रहा है उस डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब, एंड आर का वैल्यू दिया आपको। यार ये देखो, ये पेलोड का कॉन्सेप्ट, पेलोड मीन्स बेसिकली आपका जो हॉट एयर बलून्स होते हैं ना उसकी बात करें। चलो इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझने की कोशिश करो, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्या है बस समझना। ये बेसिकली आपकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये आपने देखा होगा बेटा आपका, जैसे समझना मैं आपको पेलोड कॉन्सेप्ट पहले बता दूँ, लेट मी डिस्कस दी पहले पेलोड कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत है इस क्वेश्चन में, हम कैलकुलेशन फोकस नहीं करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कैलकुलेशन आप सॉल्व करके देखना खुद, ठीक है। पेलोड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका हॉट एयर बलून है और ये बलून के नीचे ऐसे बग्गी लगी रहती है और यहाँ पे हम जैसे लोग बैठे रहते हैं, इसी को बोलते हैं पेलोड। ये जो बलून है ये कितना मास ऊपर उठा के ले जा रहा है और यहाँ पे ऐसे आग चलती रहती है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे आग लगती रहती है, यहाँ पे कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे बकेट में अपन बैठ रहे थे। दिस इज बेसिकली पेलोड, इसी को बोलते हैं पेलोड। कितना बेचारा सामान उठा रहा है बलून, ठीक है। अब होता क्या एक्चुअली, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप, यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट लगता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप, ठीक है, ये फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में चैप्टर में आएगा। आपने सुना होगा बेटा कि एक्चुअली जो आपका जो अपन बोलते हैं कि भाई अपना लोहे का अगर आप छोटी सी बॉल लोगे पानी में डालोगे डूब जाएगी, बट वही बड़े से लोहे की शिप आ जाती है आपकी तो तैरने लगती है। वाई डज नॉट इट सिंक बट इंस्टेड इट फ्लोट्स। इनफैक्ट अगर मैं लोहे की छोटी सी छर्रा लूंगा जिसको अपन बॉल बोलते हैं वो डालूंगा तो डूब जाएगा। तो उसके पीछे का रीजन आपको बताया गया था कि आर्किमिडीज डिस्पेंसल, कि जो चीज़ आप डालोगे पानी में वो जितना ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, जितना ज़्यादा वॉल्यूम को काटेगी डिस्प्लेस करेगी लिक्विड का, उसको बोलते हैं बोयंट फोर्स। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जितना ज़्यादा होगा दैट इज कॉल्ड एज बोयंट फोर्स। बोयंट फोर्स एक फोर्स होता है जो नीचे से, जो लिक्विड आपको फोर्स लगाती है नीचे से ऊपर की तरफ, समझने की कोशिश करना। इट इज अ फोर्स विच इज एग्जर्टेड बाय द लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट फोर्स इज नोन एज बोयंट फोर्स। इसको बोलते हैं अपन एफ बोयंट फोर्स,
ये जो बोयंट फोर्स होता है, इस बोयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है, दैट इज इट इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, जिस लिक्विड में रखा है और जो वॉल्यूम को काट रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। अब जनरली शिप देखो बेटा, शिप का डिजाइन कुछ एरोडायनामिकली कुछ ऐसा होता है कि खूब सारा वॉल्यूम को ऐसे काटते हुए चलता है। इनफैक्ट आपके जो हॉट एयर बलून है उनका साइज खूब बड़ा होता है, जितना बड़ा बलून होगा ना बेटा उतना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। तो जब कोई भी सब्सटेंस है वो लिक्विड कितना डिस्प्लेस करे, अब यहाँ पे जो लिक्विड है ध्यान रखना, यहाँ पे लिक्विड आपका एयर है, ठीक है ना, वहाँ पे जो लिक्विड है यहाँ पे बेसिकली एयर है आपका, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ बलून के बराबर, जो बलून कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड क्या होगा, एयर है आपके लिए जिस लिक्विड को काट रहा है। तो ये बोयंट फोर्स लग रहा है ऊपर, ये बोयंट फोर्स लग रहा है आपका ऊपर। नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे आपका फोर्स लग रहा है एमजी का, एमजी का कौन कौन सा फोर्स लग रहा है सर, एक तो लग रहा है बलून का मास, एक लग रहा है सर आपका गैस का मास, और एक लग रहा है आपका पेलोड का मास। ये टोटल तीन मास लग रहे हैं नीचे बलून का मास। बलून का मास भी बहुत है बेटा, आपको क्वेश्चन में दिया है 100 kg, अंदर गैस है H2 गैस, उसका भी मास है और प्लस पेलोड है। तो ऊपर का फोर्स क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग कंडीशन क्या होगी फॉर टू बलून टू, बलून को उड़ने के लिए लिमिटिंग कंडीशन क्या होगी कि सर जो मेरा एफ बोयंट है दैट शुड इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, और वो डाउनवर्ड फोर्स कितना है मेरा, मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ पेलोड इंटू जी, ये ग्रेविटी का फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है। भाई नीचे भी फोर्स लग रहा है उस बलून को, जो वेट कैरी कर रहा है बलून, जो बलून का वेट है, जो गैस का वेट है, जो बगी का वेट है, जो पेलोड का वेट है। और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, जो भी सब्सटेंस होता है वो लिक्विड काटता है, दैट इज कॉल्ड एज बोयंसी। दैट बोयंट फोर्स इज गिवन एज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड को काट रहा है यहाँ पे वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या, एयर है, इंटू जी। तो अगर मैं दोनों को बराबर कर दूँ लिमिटिंग कंडीशंस के लिए, अगर मैं बराबर करूँ तो क्या आएगा, देखो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड क्या है मेरे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ बलून है इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, कब डेंसिटी ऑफ एयर है, इंटू जी इज इक्वल्स टू मास ऑफ बलून तो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, मास ऑफ गैस मेरे को निकालना है, मास ऑफ पेलोड मेरे को क्वेश्चन में निकालना है इनफैक्ट, इंटू जी, जी जी तो कैंसिल हो गया। तो अगर मैं एक पेज और इंसर्ट करूँ उसको समझाने के लिए, एट पेज आफ्टर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या बन गया, देखो फॉर फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया, इट इज वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल्स टू मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ गैस इनसाइड इज प्लस मास ऑफ पेलोड, और आपको ये मास ऑफ पेलोड को निकालना है, ठीक है। मास ऑफ बलून क्वेश्चन में आपको दिया है क्वेश्चन में 100 kg, क्वेश्चन में दिया है 100 kg। डेंसिटी ऑफ एयर क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना, आपको 1.2 kg पर क्यूबर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बलून आप निकालेंगे बेटा, आपको रेडियस गिवन है, दैट इज 4/3 pi इंटू आर क्यूब, दैट इज 10 का क्यूब, ठीक है, ध्यान रखना है। इससे टोटल मास आपका केजी में आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन केजी में आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन से आपका आंसर किस में आ रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन से सॉल्व करोगे आपका आंसर केजी में आएगा, ये भी केजी में आपको दिया है, ठीक है। आपको मास ऑफ गैस निकालना है, तो मास ऑफ गैस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप यूज करोगे एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेशन कौन से, देखो बड़ा क्वेश्चन है, मास ऑफ गैस को इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मास ऑफ गैस, टू कैलकुलेट मास ऑफ गैस, ये भी आपको निकालना है। जनरली क्वेश्चन में मास ऑफ गैस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो, कि एयर का मास हम नेग्लेक्ट करते, जो अंदर गैस भरी ना बलून के अंदर, इस बलून के अंदर जो गैस भरी, जो हीलियम गैस, उसका मास निकालना है अपन, ठीक है। तो वो मास ऑफ गैस निकालेंगे बेटा, इट इज प्रेशर इंटू गैस इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू एन ऑफ गैस इंटू आर इंटू टी। आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना दिया है, क्वेश्चन में 27 डिग्री सेल्सियस, देखो सभी डेटा दिया आपको, क्वेश्चन में गैस का प्रेशर दिया आपको 1.6 bar, वॉल्यूम, अब यहाँ पे अगेन ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, दिस वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बलून, जो कि आप यहाँ से निकाल के दोबारा सब्स्टिट्यूट करोगे। अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, ये जो वॉल्यूम ऑफ बलून आएगा ना आप क्यूबिक मीटर में, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ध्यान रखना वो क्यूबिक मीटर में आएगा, इसको आप लीटर में कन्वर्ट करोगे इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा क्यूबिक मीटर में आएगा, इसको वॉल्यूम कन्वर्ट करोगे इन लीटर्स में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट करोगे। मोल्स ऑफ द गैस आपको निकालने हैं, मोल्स आ जाएगा तभी मास निकल जाएगा। आर का क्वेश्चन कितना ले लोगे, 0.0821,
ये एटीएम है, रखना 1.6 बार इज बेसिकली, इट इज बेसिकली एटीएम, और टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है 300 केल्विन। तो यहाँ से आपको मोल्स ऑफ द गैस मिल जाएगा, मोल्स ऑफ गैस मिल गया, देयरफॉर आपको मास ऑफ गैस मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ मास ऑफ गैस आपको ग्राम में मिलेगा, यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए आप मास ऑफ केजी में कन्वर्ट करेंगे। पहला टर्म केजी, दूसरा टर्म केजी, तीसरा टर्म केजी, चौथा गैस मास मास ऑफ पेलोड आपको आ जाएगा। लंबा क्वेश्चन है, ट्राई करो, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस जरूर आएगा जब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। मैं यहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझा दिया कि बोयंट फोर्स जो एक्ट हमेशा अपर, वो हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। आप बेटा आप जब भी कभी ट्राई करना, मैं तो कई बार ऐसे करता हूँ नहाते समय, कभी आप बकेट में जाओगे बेटा, बकेट में अगर आप मग को अपने डालने जाओगे नीचे की तरफ, तो लिक्विड से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, उसी को बोलते हैं बोयंट फोर्स। दैट बोयंट फोर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द मग इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। उस फोर्स की वैल्यू बता दी आपको मैंने, किस फोर्स से मग ऊपर आ रहा है, जब आप दबाओगे तो ऊपर आने लग जाएगा मग आपका बकेट से। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस, वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना है पे, वॉल्यूम ऑफ द बलून, जो बलून जितना बड़ा साइज का होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम को काटेगा, डिस्प्लेस करेगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे क्या, डेंसिटी ऑफ एयर, बिकॉज एयर में काट रहा है जी आपको पता है। बस वो फोर्स आपके डाउनवर्ड फोर्स, ये तो फोर्स हो गया, और डाउनवर्ड फोर्स क्या रहेगा आपका, जो नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे पेलोड का मास है, बलून का मास है, इनका ग्रेविटी का फोर्स, नीचे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ लग रहा है। लिमिटिंग कंडीशन के अगर मेरा पेलोड को ऊपर उड़ना है, इफ द बलून हैज टू मूव अपवर्ड, दोनों को बराबर होना चाहिए। इनफैक्ट अगर बलून को अच्छे से उड़ना है तो बोयंट फोर्स तो पूरा का पूरा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 8.8 ग्राम ऑफ CO2 गैस एट 331.1 डिग्री सेल्सियस एट 1 bar प्रेशर। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको वॉल्यूम पूछा है, सभी चीज़ें आपको गिवन है, आपको सिर्फ क्या यूज करना है, यूजिंग PV इक्वल्स टू NRT। आपको क्वेश्चन में प्रेशर कितना दिया, मैं अगेन इसको 1 ATM लिख रहा हूँ। मोल्स आप सॉल्व करोगे, इट इज 8.8 डिवाइड बाई 44, CO2 गैस का मोलर मास 44, R का वैल्यू 0.0821। मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ डेकामीटर, क्यों, बिकॉज मेरे को ज़्यादा वैल्यूज याद नहीं है। और टेम्परेचर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया आपको, 31.1 प्लस 273, ध्यान रखना केल्विन में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आपका वॉल्यूम किस में आ जाएगा, लीटर्स में सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, जो कि डेकामीटर क्यूब के बराबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.9 ग्राम ऑफ ए गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एज 0.184 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट 17 डिग्री सेल्सियस एट द सेम प्रेशर, व्हाट इज द मोलर मास। सिंपल क्वेश्चन है यार, आपके एक गैस है जिसका मास कितना आपको 2.9 ग्राम दिया है, जिसका टेम्परेचर आपको कितना दिया है 95 डिग्री सेल्सियस, इसका वॉल्यूम V है, दूसरा आपकी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, जिसका मास कितना है आपके पास 0.184 ग्राम, और इसका टेम्परेचर आपको कितना दिया क्वेश्चन में 17 डिग्री सेल्सियस। दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, इट मीन्स इसका वॉल्यूम अगर V है तो इसका वॉल्यूम भी V है, और प्रेशर भी दोनों का सेम है, तो आपको इस गैस का मोलर मास पूछा है। आप अगेन बस एक्सप्रेशन लगाओ बेटा, आप सिंपल सा एक्सप्रेशन लगाओ अपना, कौन सा, PV इक्वल्स टू NRT। तो यहाँ पे लगाऊंगा तो P इंटू V, इसका मास कितना है 2.9, मोलर मास है M, इंटू R इंटू T कितना दिया आपको 95 प्लस 273, ये कर लेंगे आप लोग 95 प्लस 273, ये इक्वेशन ये बन गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या बनेगी इस H2 गैस के लिए, P इंटू V, मास कितना दिया इसका 0.184, मोलर मास कितना है 2, इंटू R इंटू T, दैट इज 17 प्लस 273। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, पी वी वी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ M अननोन है, एक अननोन टर्म है, दो इक्वेशन आपके पास, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करके आपको M मोलर मास सॉल्व करके आ जाएगा, जो फर्स्ट गैस का है। बस सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपका आपके सामने ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन एट 1 bar प्रेशर कंटेन्स 20% बाई वेट ऑफ डाइहाइड्रोजन, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन। आपको टोटल प्रेशर क्वेश्चन में कितना दिया है 1 bar, अगेन आपको टोटल प्रेशर कितना दिया आपको 1 bar, एक मिक्सचर है आपका किसके पास H2 और O2 का, जिसमें आपको क्या दिया है, इट कंटेन्स H2 20% बाई वेट, ये दिया आपको, इट कंटेन्स 20% by weight of H2, sorry hydrogen, 20% H2 है। ठीक है, सॉल्व कैसे करें सर इसको, अब यहाँ पे आपको इमेजिनेशन से स्टार्ट, मतलब अप्रोक्सीमेशन जाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन नॉट, लेट स्टार्ट विथ टोटल, लेट टोटल मास कितना है क्वेश्चन का, टोटल वेट परसेंटेज बाय मास दिया है ना, तो मैंने लेट टोटल मास कितना ले लिया 100 ग्राम, देयरफॉर उसमें मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा आपका 20 ग्राम सर, और देयरफॉर दिस इंप्लाइज, बाकी बचा कुछ मास किसका, ऑक्सीजन का, देयरफॉर मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा आपका
80 ग्राम, खत्म बस क्वेश्चन। आपको क्या पूछा बेटा, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन, दोनों का निकाल सकते अपन। तो बेटा आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पता है क्या होता है आपका, इट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इनटू पी टोटल। तो पी टोटल तो क्वेश्चन पता है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 होता है, इट इज मोल्स ऑफ H2 अपॉन एन टोटल। सो मोल्स ऑफ H2 निकल जाएगा 20/2 से, एन टोटल निकल जाएगा आपका मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ O2। सॉल्व कर लोगे यार, मोल्स ऑफ H2 निकाल लोगे आप लोग कितना आएगा, इट इज 20/2 एंड मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा आपका 80/32। तो टोटल मोल्स में दोनों के मोल्स आ जाएंगे, मोल्स ऑफ H2 आपको पता ही है 20/2 10, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट करके आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज आपको टोटल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है। ये आपको डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर की सेकंड इक्वेशन जो बताया था वो वाली आई है काम, ठीक है। व्हाट इज सिंपल सवाल, व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ द क्वांटिटी PV² T² / N। सिंपल सवाल, PV² T² / N का आपको SI यूनिट बताना है। SI यूनिट में आपका प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इन चीजों को ध्यान रखना है। सो प्रेशर किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर में, तो ये क्यूबिक मीटर का स्क्वायर। टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन का स्क्वायर रहता है बेचारा, बाय मोल। ये रहा, सॉल्व करके निकाल लेना बेटा, क्यूबिक मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इनफैक्ट, ठीक है ना। तो आ जाएगा इनफैक्ट न्यूटन मीटर की पावर 4 केल्विन स्क्वायर पर मोल। सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यार, तो आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे। इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन वाई -273 डिग्री सेल्सियस इज लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। आपसे पूछ रहा है कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर आपका -273 डिग्री सेल्सियस कैसे, ये बताओ। पहली बात बता दूं, -273 डिग्री सेल्सियस विच इज 0 केल्विन अभी तक की टेम्परेचर हमने अपने लैब में भी अटेन नहीं कर पाए हैं। बट फिर भी फॉर द गैस के लिए सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ये क्यों है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय 3/2 nRT। तो बेटा जब टेम्परेचर जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई इट मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। 0 केल्विन में गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जीरो, गैस की एक ही तो प्रॉपर्टी है उसका मूवमेंट, उसका डिस्पर्स होना, और वही प्रॉपर्टी अगर जीरो हो गई, गैस इतनी ठंडी हो जाएगी, गैस उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सो दिस इज अ लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर फॉर एनी गैस सिस्टम, ठीक है। ये लिखा आपके, द गैसेस ऑफ द वॉल्यूम आर बिलीव टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम, बिकॉज गैस पूरी की पूरी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, एक तरह से गैस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज गैस की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जीरो, मूवमेंट जीरो मीन गैस तो है ही नहीं वो, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन आर गिवन एज दिस, विच ऑफ दिस गैसेज हैड स्ट्रॉन्गर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड वाई। ओए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर का आपको एक्सप्रेशन याद हो, मैंने आपको लिखाया था 8A/27R × B। देयरफॉर बोल सकता हूँ कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। व्हाट इज ए, यही तो होता है ए, दैट इज ए इज वेंडरवॉल कॉन्स्टेंट फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, दिस इंप्लाइज देयरफॉर ए का वैल्यू बढ़ेगा, ये हमने पहले पढ़ लिया था। ए सिग्निफाइज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो क्रिटिकल टेम्परेचर आपके ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस खत्म। किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ए ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन ए ऑफ मीथेन, ठीक है। मीथेन का टेम्परेचर कम बेटा, और ध्यान रखना टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, तो केल्विन में करोगे तो पॉजिटिव टेम्परेचर रहेगा, टेंशन मत करना, ए का वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ए का वैल्यू पॉजिटिव ही है। वो केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर ज्यादा आएगा केल्विन में, जैसे ए फॉर CO2 इज ग्रेटर देन ए फॉर मीथेन। इन फैक्ट मैंने आपको बताया था बेटा ए का कंपैरिजन, आप बिना क्रिटिकल टेम्परेचर देख के बता सकते हो कि सर ए फॉर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, बिकॉज ए में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स है, वेस मिथेन इज अ नॉन पोलर गैस, उसमें अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेंडरवॉल पैरामीटर्स। वेंडरवॉल के दो पैरामीटर्स थे आपके, एक ए और दूसरा पैरामीटर कौन सा था आपका, बी। एक ए था दूसरा बी। दिस ए इज नोन एज वेंडरवॉल कॉन्स्टेंट फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इट सिग्निफाइज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ए क्या सिग्निफाई, इट सिग्निफाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ए का वैल्यू आपको ये कंपैरिजन में हेल्प करेगा। एंड व्हाट इज बी,
बी इज नोन एज वैंडर वाल कॉन्स्टेंट फॉर वॉल्यूम एंड वॉट डज इट सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये आपको साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बताता है, इट सिग्निफाइज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. और बहुत ही सिंपल चैप्टर था, आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे डिस्कशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया है. बट हाँ, आपको इस चैप्टर में अगर और कमांड करना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस आल्सो, बिकॉज दिस इज नॉट द लिमिटेड. आपको उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप जरूर करें, तब जाके आपका चैप्टर में बहुत अच्छे से कमांड जरूर आएगा. ठीक है, सो लेट मी टेल यू, वी हैव अ डेली बेसिस लाइव क्लासेस ऑन अन अकेडमी, जो कि हमारी रोज क्लास स्टार्ट हो जाती है 9 बजे से. एंड मैं आपको मिलता हूँ रोज 11 बजे फॉर द केमिस्ट्री. मैं आपको 11 बजे मिलता हूँ फॉर केमिस्ट्री. मैं आपको केमिस्ट्री के लिए मिलूंगा एंड वील स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. बहुत ज़्यादा बच्चों के मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करो. सो ऑन मंडे वी गोइंग टू स्टार्ट द थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, सभी बच्चे थोड़ा सा पढ़ के जरूर आएँ. एक मन में पढ़ के आओगे ना तो चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छी आती है. कुछ डाउट्स रहेंगे तो चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छी आती है. आपके अंदर डाउट ही नहीं है तो चीज़ें समझ में कम आएंगी. मेक श्योर आप थोड़ा बहुत रीड करके हो, एनसीईआरटी को रीड किया हो, तो आपको डिमांड चैप्टर में कमांड बहुत अच्छा आएगा. ठीक है, वी हैव ऑल्सो द 12th स्टैंडर्ड क्लासेज राइट फ्रॉम 1 PM टू 5 PM एंड दिस आर दी KVPI क्लास टाइम टेबल, जहाँ हम डेली बेसिस हमारी KVPI क्लास होती है मॉर्निंग में 8 to 9 फॉर द 11th एंड रात को 9 से 10 हमारी 12th स्टैंडर्ड की. एंड ऑन संडे वी हैव मैराथन फॉर द KVPI क्लासेज. सो अभी तक सभी बच्चों को बता दूं कि भाई ये चैनल आपके बेहद काम का है, जिसको मैं बोलता हूँ livedaily.me/chat. ये टेलीग्राम पे एक चैनल है, इसको सभी बच्चे ज्वाइन कर ले, बिकॉज इस चैनल से वे गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द कोर्सेज, रिगार्डिंग द कोर्सेज लिंक, जो भी कुछ है. एक तरह से कम्युनिकेशन चैनल है भाई, ज्वाइन करके रखो, फायदा रहेगा. अदरवाइज आप कम्युनिकेशन समथिंग बैकअप हो जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है अकेडमी में, या कोई नया कोर्स आया, यार कुछ काम का लेक्चर है मेरे, मिस हो जाएगा आपका. सो प्लीज़ मेक श्योर आप सभी बच्चे इस चैनल को ज्वाइन कर लें. दिस चैनल इज गोइंग टू गिव यू अपडेट्स रिगार्डिंग द न्यू कोर्सेज लिंक्स, सभी कुछ आपको इस चैनल से अपडेट होते रहेंगे. आप तो इट इज livedaily.me/chat ऑन टेलीग्राम. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सभी बच्चे प्लस को ज्वाइन कर लें. नाउ दिस, आपको अगर ये सेशन में मजा आया तो आप सोचिए बेटा प्लस में सेशंस और ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, मतलब और ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है हमारा सेशंस. सो अगेन वी हैव अ लाइव क्लासेस ऑन द प्लस, यू कैन इंटरेक्ट विथ अस. आप अपने डाउट्स पूछो. देखो सामने एक बच्चे ने डाउट पूछा सर से, उसने एक क्वेश्चन का फोटो लाया, सर ने क्लिक किया उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का फोटो फ्रंट पेज में आ गया सबके सामने. नाउ जो वो स्टूडेंट का डाउट था, अब सभी बच्चे उस डाउट को सुन रहे हैं. हो सकता है वो आपका भी डाउट हो, आपको समय समझ में नहीं आया हो, बट देखो वो आपका डाउट भी क्लियर हो रहा है. दिस इज लाइक एग्जैक्टली आपका लाइव क्लास वाली फीलिंग है. और क्या चाहिए, लाइव क्लास में यही तो रहता है यार, कि आप अपने डाउट्स को पढ़ के लाते हो, पूछ के लाते हो, आप सॉल्व करके नहीं आते हो, पूछ के आते हो सर सॉल्व सामने से नहीं आया, ये चीज़ आप वहाँ पे पूछ पा रहे हो. इट इज एग्जैक्टली लाइव क्लास. ठीक है, नाउ अगेन वी हैव लाइव पोल्स ऑल्सो, लाइव पोल्स होते रहते हैं हमारे, टेस्ट सीरीज होती हैं. एंड अगेन दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बोलूँ आपको प्लस का, सो यार यू हैव अ डाउट क्लियरिंग सेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट काम का आपका, कि यार आपके डाउट्स क्लियर हो पाते हैं, जो कि एक्चुअली देयर इज अ बैकलॉग विच इज आई थिंक इन द यूट्यूब. हम यूट्यूब में आपके डाउट्स को मैं एग्जैक्टली पूरी तरह से एंटरटेन नहीं कर सकता, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके डाउट है तो सॉल्व नहीं करा पाऊंगा. इट मीन्स यार हमारे और आपके बीच में बहुत गैप है, बट वो गैप आपका प्लस में खत्म हो जाता है यार. एक तरह से आपका चैप्टर में बहुत अच्छा कमांड आएगा. आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, समझ में आएगा यार. मैं भी जब पढ़ता था, मैं भी आपके फेस से गया हूँ, और मेरे को पता है मैं जब घर में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करता था तो क्लास में लगता है सब समझ में आया, घर बैठे यार ये पढ़ाते सर कुछ और सवाल कुछ और दिए रहते थे. एग्जैक्टली सेम, क्लास में सब समझ में आता था सर, अब शीट करने बैठा था तो क्वेश्चन एक भी नहीं बनते थे यार. वो चीज़ आपको इनिशियल फेज में रहेगी, अब वो चीज़ें क्या होगा, कुछ डाउट्स को आप क्लियर कर पाओगे, तब जाके आपके अंदर चैप्टर कमांड आएगा और आप आगे के क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाओगे. पहले क्वेश्चन में टक गए और वो भी क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्वेश्चन तो आप अटेंड कर ही नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंस ही बूस्ट कम हो जाएगा. कुछ क्वेश्चन में डाउट है पूछो, समझ में आएगा, अब सभी क्वेश्चन को प्रोसीड करो, सब अच्छे से होगा. सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस यार, फायदे होंगे, बहुत बहुत फायदा होगा. सो इंडियाज बेस्ट एंड बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ वर्किंग अन अकेडमी, जहाँ पे आप अन अकेडमी के प्लस में अगर आप अन अकेडमी 11th एंड 12th का सब्सक्रिप्शन लेते हो, सो यू हैव एन नंबर ऑफ एजुकेटर्स टू टीच ईच सब्जेक्ट. ईच मीन सभी सब्जेक्ट्स कवर्ड है, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सोशल साइंस में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ कवर्ड है यार. ठीक है, सो कैसे ज्वाइन करें सर, इतना बता रहे तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, देन गो टू इंस्टॉलेशन, फिल योर डिटेल्स, योर नंबर, योर कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग, योर नेम, देन आपके पास ऑप्शन आएगा, यू कैन
ज्वाइन आवर चैनल अन अकेडमी सीबीएसई 11th एंड 12th, जहां मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ. अन अकेडमी सीबीएसई 11th एंड 12th में मैं क्लासेस मिलूंगा. सब्सक्रिप्शन लो. और जितने भी 2 साल के छात्र हैं बेटा, जिनको 11वीं के छात्र हैं, जिनको 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहा है बेटा, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 22,500. ध्यान रखना, ये आपकी डिस्काउंटेड प्राइस है. इसकी ओरिजिनल प्राइस है 25,000, बट ये प्राइस आपको पड़ेगी जब आप एक कोड यूज करेंगे, एकेसी लाइफ, यू विल गेट एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. आपको एक इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा फ्रॉम दी अनअकैडमी. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस कोड AKC लाइफ. नींद में उठा के पूछूं तो भी आपके दिमाग में कोड सेट होना चाहिए कि जिस दिन मैं सब्सक्रिप्शन लूंगा उस दिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही कोड घूम रहा है, AKC लाइफ. ठीक है? सो दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस कोड. एंड ऑल्सो आप सभी बच्चे 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो 2 साल का लें. पहली बात तो पैसे बचेंगे और ये प्राइस कभी बढ़ सकती हैं आप लोगों के, फिर बाद में पछतावा, उससे पहले अभी ले लो. ठीक है ना? प्लीज़ आप बाद में रिग्रेट हो यार, शिट यार पहले ले लिया होता यार, प्राइसेस बहुत महंगी हो गई, अन अकेडमी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो गई, अब क्या करूँ? तब डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे, तब प्राइसेस बहुत हाइक हो जाएंगी. सो प्लीज़ गो फॉर द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन. इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 13,500, बट इसके ओरिजिनल कॉस्ट है 15,000 एंड यू हैव टू यूज दिस कोड AKC लाइफ टू गेट द डिस्काउंट्स. ठीक है? चलिए, वेरी गुड. सो यू कैन ज्वाइन आवर चैनल अन अकेडमी 11th, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. And you can also press the bell icons to get the updates of the channels to put videos जो हमारी कल आने वाली हैं. और हमारे और भी चैनल्स हैं बच्चों लोग, नीट JEE 9th and 10th, as per requirements हम सभी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. वहाँ भी डेली बेसिस में as per this चैनल वैसे ही वहाँ पर वीडियोज भी अपडेटेड होते रहती हैं. और भी चैनल्स हमारे ज्वाइन कर सकते हो. सो अगेन एवरी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि सभी बच्चे यूज दिस कोड विच इज AKC लाइफ टू गेट डिस्काउंट. चाहिए तो इस कोड को यूज़ करो यार, अच्छा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, अच्छा लगेगा यार, बहुत रिजनेबल कॉस्ट में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, और क्या चाहिए अपने को. ठीक है? पूरे सब्जेक्ट कवर है, 2 साल तक आप टेंशन फ्री रहोगे. आप कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट रहेगा आप यहाँ बिंदास होकर पूछ पाओगे. जो भी टॉपिक में दिक्कत है आप इसको यहाँ डिस्कस कर पाओगे, क्लैरिटी कर पाओगे. ठीक है? चलिए. सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ पे डिस्कशन करके. एंड मैं अगेन टेल यू, नाउ विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. मन तन धन से आना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है? So bye everyone, take care, have a nice day.